भारतीय सेना का कमांडो स्कूल। 22वां दिन और अब वक्त है ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, जो इन्हें फौलाद बना देगी। एक्सरसाइज तोड़फोड़, जो 72 घंटे की है। कमांडो स्कूल में पिछले 2 हफ्तों में इन्होंने जो भी स्पेशल स्किल्स सीखी हैं, उन्हें अगले 72 घंटों में आजमाया जाएगा। इन 3 दिनों में कमांडोज को 30 लोगों की प्लाटून्स में बांट दिया जाएगा। इन्हें 3 अलग-अलग ट्रेनिंग मिशन दिए जाएंगे और हर मिशन में लीडर बदल दिया जाएगा, और हमेशा की तरह उन्हें अपनी अगली चुनौती के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। इस अभ्यास का मकसद है इन युवा कमांडोज को लड़ाई के लिए तैयार करना। वो छोटी छोटी टीम्स बनाएंगे, ये फोर्स मल्टीप्लायर होंगी, बड़ी तादाद में तबाही मचाएंगी और दुश्मन के टारगेट को तबाह कर देंगी। कमांडोज जंगल में एक अनजान जगह पर पहुंच गए हैं। इनका पहला काम है हार्बर नाम की एक जगह बनाना, एक जगह जो इनके टारगेट के करीब हो, और कमांडो यहां छिपकर अभियान की योजना बनाएंगे। नींद की कमी यहां अपना असर दिखा रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा फील कर रहे हो कि 2 दिन में 1-1.5 घंटा ही सो के और रेड के लिए निकल रहे हैं, और इतना डिस्टेंस भी काफ़ी कुछ पैदल चल के जा रहे हैं, तो इस बात के लिए भी हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया है इसके बाद। अभियान तोड़फोड़ 1वां दिन। इनका मिशन है दुश्मन के एक पुल को तबाह करना, और हालात कुछ इस तरह से हैं कि भारत युद्ध कर रहा है और प्लाटून नंबर 1 इस नकली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर दूर है। इन्हें दुश्मन के इलाके में 2 किलोमीटर अंदर मौजूद एक पुल में नकली बम लगाकर उसे उड़ाना है। दुश्मन की टुकड़ियां पुल से 300 मीटर की दूरी पर हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि दुश्मन की फौज पुल पार करने वाली है, और भारतीय जमीन पर वो एक बड़े हमले की फिराक में है। कमांडो राठी को आज प्लाटून कमांडर बनाया गया है, पर इससे पहले कि वो इस खतरनाक अभियान को अंजाम दें, उन्हें एक योजना बनानी है और अपने फौजियों को उसके बारे में बताना है। कमांडो राठी की योजना है, प्लाटून नंबर 1 इस वक्त अपने हार्बर पर है, यानी टारगेट से 5 किलोमीटर दूर। सूरज डूबने के वक्त कमांडोज निकलेंगे और उन्हें रात 8:15 बजे अपने टारगेट पर पहुंचना है। उन्हें पुल पर नकली बम लगाने हैं और 9 बजे वहां से भाग लेना है दुश्मन की नजर में आए बिना। ऑपरेशन तोड़फोड़ शुरू हुए 9 घंटे बीत चुके हैं, और कमांडो राठी अपने फौजियों के साथ एक नकली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जा रहे हैं। प्लाटून नंबर 1 सही समय पर है और पुल के करीब पहुंच गई है। अब कमांडोज को असली ऑपरेशन का एहसास हो रहा है। पहला काम है संतरी को खामोश करना। डेमोलिशन टीम पुल के नीचे पहुंच गई है, लेकिन प्लाटून नंबर 1 को झटका लगा है। जो काम सुनने में आसान लग रहा था, वो हकीकत में बहुत मुश्किल है। तुम हमने सोचा था कि इतने से पिलर होंगे, लेकिन वो जब साइज में देखा तो काफी बड़े पिलर थे, और हमें लगाने में भी काफी दिक्कतें आई, और इनकी कैलकुलेशन में भी एक भारी गलती निकली है। जो हमारी कोडेक्स हम लेके गए थे वो भी छोटी पड़ गई थी, और हमें लगाने में बहुत परेशानी आ रही थी। हम लोगों ने किया, बहुत गलतियां हुई उस दिन, क्योंकि पहला दिन था। प्लाटून नंबर 1 की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने नकली बम ठीक से नहीं लगाए। उन्हें भारी सजा दी गई। अगर ये अगले 2 मिशन में भी नहीं संभलते तो इंस्ट्रक्टर ग्रेड हासिल करने से चूक सकते हैं। एक्सरसाइज तोड़फोड़ शुरू हुए 13 घंटे बीत चुके हैं, और अब कमांडोज को अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करनी है और अगले मिशन को अंजाम देना है। जब से हमने चलना शुरू किया था तो पहले 5-6 किलोमीटर था, ये बस 5-6 किलोमीटर चलना है, तुम सारे एक साथ चलो,
तो हम 12 एक बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद सबको सोने दिया जाएगा। इंस्ट्रक्टर्स ने उन्हें बताया नहीं और 25 किलोमीटर चला दिया। सूरज उगने से ठीक पहले वो अपने अगले हार्बर पर पहुंच गए। सुबह के 7 बज रहे हैं। अभ्यास शुरू हुए 22 घंटे बीत चुके हैं। सुबह हमें उठाया गया, पता नहीं कब उठे, कैसे बैठे, क्या हुआ, कुछ याद भी नहीं है सही से। सिर्फ 3 घंटे की नींद के बाद कमांडोज एक्सरसाइज तोड़फोड़ के दूसरे दिन के लिए जाग गए हैं। कमांडोज पूरी तरह से ढीले पड़ चुके हैं और उस पर दिक्कत यह है कि आज उनके इंस्ट्रक्टर हैं कमांडो स्कूल के सबसे भयानक इंस्ट्रक्टर। तो फोटो में हमें सबसे गंदा इंडिकेशन मिला कि मेजर जोनाथन आ गए, तो हमने सोच लिया कि बस आज का दिन तो बर्बाद ही है गया। एक्सरसाइज तोड़फोड़ दूसरा दिन। इनका मिशन है दुश्मन हेडक्वार्टर्स की निगरानी। प्लाटून नंबर 1 नकली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर है। सीमा पार 2 किलोमीटर दूर है दुश्मन का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर। कमांडोज को जिम्मेदारी दी गई है कि वो दुश्मन के हर कदम की जानकारी जुटाएं। इतना ही नहीं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के चारों तरफ ट्रिप वायर लगी है जिसे इंस्ट्रक्टर्स ने लगवाया है। अगर कमांडोज वायर को ट्रिप करते हैं तो वो मिशन में फेल हो जाएंगे। प्लाटून कमांडर्स उन्हें अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कमांडो रेड्डी आज प्लाटून नंबर 1 को लीड कर रहे हैं, लेकिन बेलगाम की गर्मी और नमी और साथ में थकान, इसके वजह से कुछ कमांडोज सो गए हैं। धूप जब से बढ़ने लगी तब उसमें लोग खराटे आने, खराटों की आवाज आने लगी साथ में। इंस्ट्रक्टर ने दखल दिया, एक आदमी के खराटे सबके लिए सजा बन गए हैं। ऑपरेशन तोड़फोड़ शुरू हुए 31.5 घंटे बीत चुके हैं और कमांडो रेड्डी अपनी टीम के साथ नकली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बेफिक्र प्लाटून पर इंस्ट्रक्टर ने घात लगा दी है। इससे उन्हें सबक मिल गया कि हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये एक लंबा सफर है। कमांडोज शाम होते होते नकली बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। इस बीच इंस्ट्रक्टर ने दुश्मन का ब्रिगेड हेडक्वार्टर बना दिया है। गतिविधियों की एक लंबी योजना बनाई गई है जिन पर सर्वेलेंस टीम को बारीकी से नजर रखनी होगी। इंस्ट्रक्टर अपने नाइट विजन सेट के जरिए कमांडोज पर भी नजर रखेंगे। उनकी एक एक हरकत पर नजर रखी जाएगी। अब कार्यवाही का समय है। कमांडो रेड्डी ने अपनी प्लाटून को 3 छोटी छोटी टीम्स में बांट दिया है। जब हम धीरे धीरे आगे जाने लगे तो हमें पता चल रहा था कि रात को एक्चुअल में चलना कितना मुश्किल होता है, और अगर हम दुश्मन के इलाके में जा रहे हों तो बिल्कुल ही हमें एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। वहाँ पर जहाँ हम गए थे एक्सरसाइज करने, इट वॉज डार्क, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमारी पार्टी गई पहले लेफ्ट पे, एक जहाँ पे लाइट दिख रहा था हम वहाँ पे गए। हमने देखा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं टारगेट का। फिर जब हम टारगेट के थोड़ा क्लोज पहुँचे तब हमें पता चला कि टारगेट वो नहीं है, दूसरी साइड है, राइट साइड में। वहाँ से हमारे डीएस देख रहे थे हमें नाइट विजन से, तो उनको सब कुछ दिख रहा था। तो वो हमें रेडियो पे पास कर रहे थे कि तुम ये गलती कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तो उस पूरे टीम के ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ा मेरे को। लेकिन प्लाटून को दोबारा एक साथ मिलाने की जल्दी में कमांडो रेड्डी के एक साथी ने ट्रिप फ्लेयर जला दी है। इसमें हमारा सरप्राइज लॉस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन को कमांडोज की मौजूदगी का पता चल चुका है और मिशन नाकाम हो गया है। कमांडो ऑपरेशन का पहला नियम है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इंस्ट्रक्टर ने ऑपरेशन नाकाम होने के बाद प्लाटून कमांडर कमांडो रेड्डी को बुरी तरह डांट सुनाई। हमें लगा कि आज की रात भी काली है, आज कोई नींद भी नहीं मिलेगी। पूरे प्लाटून को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। सजा पूरी हो गई है,
अब प्लटून को दुश्मन के इलाके से निकलकर अपने अगले हार्बर पर जाना होगा। कमांडोज को अब जंगल में 12 किलोमीटर का सफर तय करना है। पिछले दो दिनों में कमांडोज को सिर्फ 2 घंटे की नींद मिली है और इनकी शारीरिक क्षमताओं के पार जाकर इनसे मेहनत करवाई गई है। अब इस अभ्यास को शुरू हुए लगभग 42 घंटे बीत चुके हैं। कमांडोज अब हार्बर 3 पर आ गए हैं। कमांडोज को अब सोने का मौका दे दिया गया है। सुबह के 6 बज गए हैं। एक्सरसाइज तोड़फोड़ शुरू हुए करीब 44.5 घंटे बीत चुके हैं। ये इनके जीवन की सबसे सर्द सुबह है। एक्सरसाइज तोड़फोड़ के लिए अब वक्त है आखिरी ट्रेनिंग मिशन की योजना बनाने का। तीसरा दिन, मिशन है कमांडोज को दुश्मन के इलाके में एक कम्युनिकेशन टावर पर नकली बम लगाने हैं। प्लटून नंबर 1 ने दुश्मन के इलाके में एक हार्बर बना लिया है। कम्युनिकेशन टावर यहां से 16 किलोमीटर दूर एक खड़े पहाड़ की चोटी पर है। दुश्मन के संतरी पूरी सतर्कता से टावर पर तैनात हैं। इन लोगों को आधी रात तक कम्युनिकेशन टावर पर नकली बम लगाने हैं। कमांडो अभिषेक प्लटून नंबर 1 को इस आखिरी मिशन में लीड करेंगे। टारगेट बहुत ही मुश्किल है। जानकारियां लेने के बाद अब पूरी ताकत से ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं। पिछले 52 घंटों में कमांडोज पर बहुत ही जबरदस्त शारीरिक दबाव डाले गए और ठीक से सोने नहीं दिया गया। अब इनकी सहनशीलता को 16 किलोमीटर के एक स्पीड मार्च के जरिए जांचा जाएगा। इन्हें जंगल में एक खड़े पहाड़ की चोटी पर बने कम्युनिकेशन टावर तक जाना है। निकलने का वक्त हो गया है। अब इंस्ट्रक्टर्स ने चुनौती को और कड़ा कर दिया है और ट्रैक को मुश्किल बना दिया है। उनको ऑफिसर्स को ना एक डिफिकल्टी लेवल और ऐड करना था, तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमारे जूते खुलवा दिए और सॉक्स भी खुलवा दिए। तो नीचे कांटे, घास फूस, पत्थर वत्थर सब चुभ गए थे। सूरज डूबने तक वो पहाड़ तक पहुंच गए, लेकिन चढ़ाई अभी बाकी है। इन्हें इस खड़ी चढ़ाई को घने अंधेरे में पार करना है और रात 9 बजे तक चोटी पर पहुंचना है। मतलब ऐसा कोई प्रोमिनेंट रोड ट्रैक वगैरह जैसा जो हम पहले फॉलो कर रहे थे, एक पतली सी पगडंडी थी। बीच में आके थोड़ा लॉस्ट भी हो गए कि किसी को रास्ता नहीं पता चला कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। लोग इतना चल चुके थे तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी हाई हो गया था। ये फ्रस्ट्रेशन है हमेशा आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजारेंगे, आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इसको कंट्रोल करना कैसे, ये चीजें कमांडो को सिखा जाए। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गए। फिर कम्युनिकेशन टावर पे रात में क्लोज टारगेट रेकी के लिए भेजा गया, तो उसके लिए मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था लोगों को उठाना। एक बार वो जाके वहाँ पे बैठे सो गए, तो मुझे डिफरेंट कमांडर्स को उठाना था और लेके जाना था वहाँ पे टारगेट की रेकी के लिए। तो टारगेट क्या था, मतलब चारों तरफ दीवार है और बीच में टारगेट बना हुआ था, एक फोर्ट टाइप है, उसके अंदर टारगेट बना हुआ था। फिर वापस पहुँचे, फिर मुझे अब टीम को इकट्ठा करना था कि सबसे जो मुश्किल काम था वो रेड करना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है कि लोगों को तैयार करना। वो एक बार सो गए हैं, उनको उठाना कि चलो अब रेड करनी है। जब हमने रेड करनी शुरू की तो मेन काम था कि जो हमारा संतरी साइलेंसिंग पार्टी होगी वो सामने से जाएगी, तो फिर उसके पीछे हमारा जो सपोर्ट ग्रुप रहेगा, जो हमारी मेन असोल्ट टीम थी उसको हमने डाला गया। जो एक हमें छेद मिला था दीवार के अंदर कि हम उससे एंटर करेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा, तो यही किया। लेकिन जाते समय उनमें से किसी का पैर ट्रिप प्लेयर पे लगा और जितना सोचा था उससे पहले ही सरप्राइज लॉस्ट हो गया। एकदम से उन्होंने भी धावा बोल दिया, जो सपोर्ट ग्रुप थी, जैसा उनसे कहा गया था कि सरप्राइज लॉस्ट होते ही सीधा अंदर आ जाना है। फिर जो संतरी टावर के पास में थे उनको न्यूट्रलाइज किया, बाकी संतरी पोस्ट को न्यूट्रलाइज किया और पूरे जो कम्युनिकेशन सेंटर था उसको सिक्योर कर लिया। अब टाइम था डेमोलिशन पार्टी का, उन्होंने उस पर एक्सप्लोसिव वगैरह लगाने शुरू किए। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी तेज काम भी किया। कमांडो अभिषेक की लीडरशिप में प्लटून नंबर 1 ने जबरदस्त बारीकी के साथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज को पूरा किया है
और कम्युनिकेशन टावर पर नकली बम लगा दिए हैं। पिछले 72 घंटों में एक्सरसाइज तोड़फोड़ में कमांडोज ने 3 बहुत ही मुश्किल मिशंस को अंजाम दिया है। इस दौरान उन्होंने जंगल में रात को पैदल 60 किलोमीटर का सफर तय किया है। इन्होंने दुश्मन के टारगेट्स को तबाह करना सीखा है, दुश्मन पर नजर रखना भी। अब ये लड़के जाबाज कमांडोज बन चुके हैं। इन फौजियों ने कमांडो स्कूल में पिछले 28 दिनों में अपने पक्के इरादे और ताकत को साबित कर दिया है। एक दिन ये युवा कमांडोज जंग में अपनी प्लाटून्स को लीड करेंगे और देश की हिफाजत करेंगे। ये अभी से अपनी उम्र से कहीं ज्यादा पक्के इरादे और लीडरशिप साइंस दिखा रहे हैं।